कोतवाली थाना पुलिस ने दुकान में चोरी करने वाले चोर को किया गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि विगत दिनों नया बाजार के रहने वाले व्यापारी मधुसूदन ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी दुकान से दुकान में ही काम करने वाले एक नौकर द्वारा लाखों रुपए के अंडरगारमेंट चोरी कर लिए गए हैं, जिसके CCTV फुटेज भी सामने आए थे। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश करते हुए अजमेर के तोपदड़ा निवासी मोहम्मद मुबारक को गिरफ्तार किया, जहां पुलिस आरोपी मोहम्मद से पूछताछ कर रही है। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी सर, क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया? परिवादी मधुसूदन मेहरा, जिनकी अंडरवेयर वगैरह की दुकान थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे एक कर्मचारी मोहम्मद मुबारक अहमद काम करता था, जिसके द्वारा काम करने के दौरान ही दुकान में से सामान चोरी किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात आरोपी मुबारक अहमद को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उससे तफ्तीश की जा रही है। उसमें परिवादी ने अपनी दुकान का सामान बताया, जो करीब लाखों में उसने अमाउंट बताया है। अभी अनुसंधान के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। आरोपी मुबारक अहमद अजमेर का ही रहने वाला है और हाल में वो तोपदड़ा में रह रहा है। और भी कोई रिकॉर्ड है नहीं, सब पूर्व में कोई रिकॉर्ड नहीं।